हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर बैठे एक अच्छी एजुकेशन को गेन कर सकें। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की। तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे ऑलरेडी पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं, ये आज अपना राजस्थान ज्योग्राफी का आई होप लास्ट पार्ट होगा, है ना। और जितने भी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलते हैं। अपन ने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ क्या स्टार्ट किया था, अपन ने स्टार्ट किया था राजस्थान की स्थिति, है ना। तो अपन ने कल क्या पढ़ लिया था, लास्ट में सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पढ़ ली थी अपन ने। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कर्क संक्रांति पढ़ा था, फिर मकर संक्रांति पढ़ा था, फिर वसंत विष्णु और शरद विष्णु उत्तरायण और दक्षिणायण का जो केस था वो अपन ने पढ़ा था। अब अपन आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब जो सूर्य का तिरछापन है, सीधापन है, वो जिले वाइज अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले एक मैप बनाइए, डायग्राम राजस्थान का बनाइए साथ साथ। ठीक है, अब देखिए जो अपनी कर्क रेखा है, कौन सी कर्क रेखा, वो इस तरीके से होती हुई जा रही है, और जो भूमध्य रेखा है वो अपनी कुछ इस तरीके से है। ये तो है अपनी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, और ये है अपनी कर्क रेखा, 23 डिग्री 23.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये राजस्थान के कुछ ज़िले हैं, ये राजस्थान का ज़िला है दोस्तों बांसवाड़ा, ये ज़िला है डूंगरपुर, ये है प्रतापगढ़, ये है झालावाड़, ये है उदयपुर, ये राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मैं बात करूं अपने सूर्य की, सूरज की, सन की, तो सूर्य भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। ये फैक्ट्स हम सब जानते हैं कि भाई 0 डिग्री इक्वेटर पे जो अपना सन है वो डायरेक्टली चमकता है, सीधा चमकता है। तो अगर मैं बात करूं तो तिरछापन, जैसे मैं बात करूं ये बांसवाड़ा पे थोड़ा तिरछा है, डूंगरपुर पे चले और तिरछापन बढ़ा, मतलब इस तरीके से हुआ ना, यूं पहले मान लीजिए पहले एंगल कुछ था 30 डिग्री, फिर यहाँ पे एंगल हो गया लमसम कितना आपका 70-80 के लमसम आपका एंगल हो गया। तो जो तिरछापन है वो क्या बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता कैसे जा रहा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अगर झालावाड़ को लेना चाहो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो इस तरीके से जो अपना तिरछापन है वो एक क्रम में बढ़ता जा रहा है। तो कई बार दोस्तों आपसे ये क्रम पूछ लिया जाता है, तो इस डायग्राम को आप बनाइए।
अब देखिए, सूर्यपन का अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो सही क्रम है, सूर्यपन का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा राजस्थान में सीधा कहाँ होगा, है ना, है ना। तो जहां ज्यादा सीधा होगा वहां क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, सीधापन होगा, वहां पे बरसात होने के चांस ज्यादा हैं। मतलब जो भूमध्य रेखा के पास है वहीं पे तो सबसे ज़्यादा बरसात होती है और उच्च तापमान भी होता है। तो अगर सही क्रम की मैं बात करूँ सीधेपन की, है ना, तो कौन सा सबसे पहले, कौन सा, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, ठीक है, फिर प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, फिर उदयपुर, और इस तरीके से आगे आगे आपका चलता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई सूर्य के सीधेपन या सही क्रम की, है ना। अब मैं बात करूं सूर्य के तिरछेपन का सही क्रम, तो लिखिए राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का सही क्रम। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा सूर्य तिरछा कहां पे है, सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाला क्या है दोस्तों, गंगा नगर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, और फिर उसके बाद बीकानेर। इस तरीके से नीचे जैसे जाते जाएंगे वैसे तिरछापन कम होता जाएगा, और सबसे ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एंड देन बीकानेर। तो दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों अपने किसकी, सूर्य के तिरछेपन की, ठीक है। अब कुछ कई बार क्या होता है कि तिरछेपन का आरोही क्रम और तिरछेपन का अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आरोही मतलब होता है आपके बड़े से छोटा होना, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही होता है आपका क्या, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो लिखिए राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम, या फिर मैं बात कर लूं इसको इस तरह से भी तो बोल सकते हैं कि भाई जो चीज आरोही में है वो तिरछेपन का अवरोही हो जाएगा, मतलब असेंडिंग हो जाएगा, तिरछेपन का अवरोही क्रम है, ठीक है। तो देखिए अपन आरोही में क्या हो जाएगा अपना ये आरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही इज डिसेंडिंग वाला ना। तो अब देखिए अपन बात कर रहे हैं किसके, आरोही क्रम के सीधेपन की। तो आरोहीपन का का क्रम बात करेंगे सीधेपन की, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा गंगानगर, देन हनुमानगढ़, इस तरीके से चलते हुए अपन कहाँ तक आएंगे, डूंगरपुर, और फिर लास्ट में बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये बात हो गई, या फिर इसको इस तरीके से तिरछे का अवरोही क्रम, है ना,
तो सबसे ज़्यादा तिरछा अवरोही में किधर था, गंगानगर में था। गंगानगर के बाद फिर कम हुआ हनुमानगढ़, फिर लास्ट में कम होता होता लास्ट में क्या हो गया, बांसवाड़ा। तो ये आ गया अवरोही, दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही होता है अपना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर देखिए ये तो पहला पॉइंट, फिर देखिए दूसरा, सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम, मतलब क्या बात हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर की, तिरछेपन का ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम, मतलब कैसे बात करेंगे, डिसेंडिंग। तो सबसे ज्यादा सीधा कहाँ है, बांसवाड़ा, फिर देन डूंगरपुर, फिर ऐसे करते हुए अपन बढ़े आगे, फिर हनुमानगढ़ और फिर गंगानगर, ठीक है। ये इसका आंसर है। और अब इसको बात कर लीजिए, यही सेम टू सेम आंसर क्या होगा, तिरछेपन का आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो बांसवाड़ा सबसे कम तिरछा, देन डूंगरपुर, फिर ऐसे आगे बढ़ते गए हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो ये दो क्वेश्चन है, अगर आपसे कैसे भी पूछ लिया जाए तो अब आप आंसर करने में कैपेबल हो। तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी, आरोही और अवरोही की, सीधेपन और तिरछेपन से रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो अपन ने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के संबंध में सही कथन है, ए उत्तर पूर्व ईशान कोण, बी उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, सी दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, डी दक्षिण पश्चिम नेत्रीय कोण। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस इस तरीके से हैं, ए बी सी, सेकंड है, ये तो स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन से ये है, ए बी सी, ए सी डी थर्ड है, ए बी डी, और फोर्थ है आपका ए बी सी डी, दैट इज कि भाई चारों के चारों सही है। अब मेरे को इसका आप आंसर सोचिए एक बार, देखिए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए, राजस्थान के संबंध में सही कथन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इसमें लिखा गया है कि राजस्थान के संबंध में सही कथन है, कहीं ये नहीं लिखा गया कि हम भाई विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, एशिया के बारे में स्थिति बात कर रहे हैं, भारत के बारे में स्थिति बात कर रहे हैं, या किसके बारे में ये चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है। बस आपसे ये कहा गया है कि भाई राजस्थान के संबंध में सही कथन है,
तो मेरे को बताइए कि उत्तर पूर्व, पहला देखिए ए, उत्तर पूर्व ईशान कोण होता है क्या? राजस्थान का कोई ऐसा चीज़ है जो उत्तर पूर्व ईशान कोण में इसकी स्थिति लाई करती है? बिल्कुल लाई करती है। किसमें लाई करती है? विश्व के ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व ईशान कोण में है। तो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। तो बिल्कुल उत्तर पश्चिम जो वायव्य कोण है वो स्थिति राजस्थान की है भारत में। दैट इज मीन कि सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सेकंड की बात हो गई। फिर देखिए, फिर बात करें दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण। अब दक्षिण पूर्व जो आग्नेय कोण है, ऐसी कोई राजस्थान की स्थिति अपन ने कहीं भी किसी से रिलेटेड नहीं पढ़ी। जो अपन ने एक क्वाड्रेंट वाला डायग्राम पढ़ा था, अगर आप वहां भी जाकर रेफर करोगे तो नहीं दिखेगा। दैट इज मीन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर फोर्थ डी पे चलें, दक्षिण पश्चिम नेत्रिय कोण। तो ये स्थिति भारत राजस्थान की है एशिया में। इसका मतलब आपका थर्ड भी स्टेटमेंट सही है। तो ए बी डी, तो ए बी डी आंसर। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या है? थर्ड इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके के भी आपसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये एक अच्छे प्रकार का क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको आप लिखिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपना जो इसके अंदर जो टॉपिक है, दैट इज लास्ट टॉपिक, वो है अपना राजस्थान का। तो हेडिंग डालिए राजस्थान का विस्तार। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अपन बात करेंगे दो तरीके से। एक तो अक्षांशीय दृष्टि से बात करेंगे, जो आपका लेटिट्यूड है, और एक बात करेंगे अपन लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो पहली बात करेंगे अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब देखिए मैं पॉइंट्स लिखवाता जाऊंगा और आप साथ साथ लिखते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। अपन दोनों काम एक साथ कर लेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब देखिए राजस्थान का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांश कैसे होंगे, जो लेटी हुई लाइनें हैं उसकी बात हो रही है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो है दोस्तों आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये जो टोटल है वो किसके अंदर लाई कर रहा है? उत्तरी अक्षांश के अंदर ये लाई कर रहा है। मतलब जो राजस्थान का विस्तार है वो किस पॉइंट्स के बीच में है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरे पॉइंट की तरफ मैं चलूं, इन दोनों के बीच में मध्य कितने अक्षांश हैं? तो इन दोनों का क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो 30 माइनस 23 दैट इज 7, और 12 माइनस 3 दैट इज 9। तो लिखिए राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? ये वाला, दैट मींस दिस वन, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो वो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दैट इज बोरकुंड बांसवाड़ा, और उसका एंगल कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो लिखिए राजस्थान का दक्षिणतम
बिंदु, बोरकुंड, बांसवाड़ा। ठीक है, बोरकुंड, बांसवाड़ा, उसका ये कितना है, अक्षांशीय है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आए 3 पॉइंट्स? ठीक है, अब उत्तरी पॉइंट क्या होगा, दैट मीन्स दिस वन। तो उत्तरी पॉइंट क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट। तो लिखिए राजस्थान का उत्तरी बिंदु, तो वो है एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट जगह है कोणा। कोणा कहाँ पे होगा, जो ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, दैट इज गंगानगर। और गंगानगर पे कितने पे होगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ठीक। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट प्रकार का जो क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है, तो वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। तो लिख लीजिए वो पॉइंट भी। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो वो कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो 5 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपसे अक्षांश विस्तार से पूछे जा सकते हैं, वो मैंने एक एक आपको कवर करवा दिया। तो इतना आप लिख लीजिए एक बार। तो कितना इजीली मैंने आपको चीजें समझा दी, अब आपको कभी कोई डाउट होगा नहीं, है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ। अब बात करेंगे दोस्तों अपन राजस्थान का देशांतरीय विकास, दैट इज कौन सा, लॉन्गिट्यूड। जो किस तरीके से होता है लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से होते हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, मतलब जो अपना वर्टिकल लाइन है, दैट इज नोन एज देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, तो वो क्या है, तो लिखिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना, 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए जो पृथ्वी होती है, किस तरीके से अपन ने इसको देशांतर में डिवाइड करते हैं, एक होता है पूर्वी देशांतर ये वाला, और ये होता है अपना कौन सा, पश्चिमी देशांतर। तो अपना राजस्थान किधर था, जो इंडिया है इवन, वो भी अपना पूर्व पूर्व देशांतर में है। तो क्या आ जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आया, पूर्वी देशांतर से कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आई पहली बात, ये हुई अपनी पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या होगा, इन दोनों के मध्य अंतर, तो माइनस कर दीजिए कुछ नहीं है। तो राजस्थान कितना होगा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस होगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई दूसरी बात। ठीक, अब देखिए तीसरी बात का अपन करते हैं, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु, मतलब जो राजस्थान है अपना, इसका ये वाला बिंदु और एक इधर वाला होगा, तो राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा होगा, तो
तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा एक जगह है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका एंगल कितना होगा दोस्तों? आप सब जानते हैं 69°38' पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैं बात कर लेता हूँ पूर्वी बिंदु की। राजस्थान का पूर्वी बिंदु किधर की बात कर रहे हैं? पूर्वी बिंदु तो वो किधर होगा? ये इधर वाला। तो दोस्तों वो अपनी जगह है सिलाना। कौन सी जगह है? सिलाना, जो कि है दोस्तों धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका एंगल कितना होगा आप सब भली भांति जानते हैं, 78°17' पूर्वी देशांतर। ये इसका देशांतरीय विस्तार है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई राजस्थान के पूर्व से लेके पश्चिम के बीच में कितनी चौड़ाई है? राजस्थान कितना चौड़ा प्रदेश है, कितना किलोमीटर लंबा प्रदेश है? तो उसकी बात कर लेते हैं। तो लिखिए फाइनल, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई तो दोस्तों कितनी होगी? 869 किलोमीटर। तो कितनी है? 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई है। तो ये बात हो गई दोस्तों राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। इतना आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपने लिख लिया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब जो ये अपन ने दो टॉपिक्स पढ़े, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, ये जितने भी स्टेटमेंट पढ़े, क्या मैं इन्हें एक ही उसमें समअप कर लूँ? तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, आप समझते जाइएगा। कितने बिंदु होंगे कोई भी स्टेट के, कोई भी जगह के? 4 बिंदु। ए कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये आपका पश्चिम। ठीक है, कोई डाउट आई होप नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ये सब क्या होती है आपकी। ये क्या होती है आपकी? होती है कौन सी लाइनें? ये होती है आपकी कौन सी? लेटी लॉन्गिट्यूड है ना। और ये कौन सी होती है आपकी? इस तरीके से लेटीट्यूड्स। ठीक है, अब देखिए अपन बात करें, मतलब ये इस तरीके से बात हो रही है, मतलब अगर ये खड़ी है लाइनें तो हो गई लॉन्गिट्यूड, और जब लेटी हुई है तो मैं बात करूं सबसे जो ऊपर का बिंदु है वो कौन सा होगा, मतलब जो उत्तरीतम बिंदु है वो। अपन ने अभी बात करी थी अक्षांश विस्तार में, तो बात करेंगे ना ये इस तरीके से, अक्षांश यूं चलते जाएंगे यूं, तो यहाँ पे अक्षांश आ जाएंगे। तो ये कितना होगा दोस्तों आपका? 30°12' उत्तरी अक्षांश। और जगह कौन सी मैंने बताई थी आपको? कोणा गंगानगर, यही बात बताई थी। ठीक है, फिर नीचे की बात कर लेता हूं। तो ये कितनी है? 23°3' से स्टार्ट हो रहा था उत्तरी अक्षांश आपका, और ये जगह थी दोस्तों आपकी कौन सी? बोर कुंड बांसवाड़ा। ठीक है, पहला बात ये, दूसरी पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है दोस्तों? इनके बीच में कितना एंगल है? दैट इज 7°9' का इनके बीच में अंतर है।
और फाइनल बात दैट इज कितने किलोमीटर लंबी इनके बीच में लंबाई है, तो वो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो क्या ये बात हो गई दोस्तों अपने अक्षांशीय विस्तार की? तो कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन देशांतरीय विस्तार की। तो सबसे पहले अपनी स्टार्ट कहाँ से होती है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और कौन सी जगह? तो ये अपनी जगह है दोस्तों कटरा, जैसलमेर से अपना स्टार्ट होता है, और ये है अपना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो कि कहाँ तक जाता है, सीलाना जगह है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, धौलपुर में। मतलब ये अपना कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु, ये है पूर्वीतम और ये है अपना पश्चिम बिंदु, और ये इस तरीके से राजस्थान का फॉर्मेशन होता है। फिर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो कितना है अंतर, 8 डिग्री 47 मिनट का इन दोनों के मध्य अंतर है, और अगर किलोमीटर की वाइज बात की जाए कितना चौड़ा है, तो 869 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये विस्तार आपका देशांतर में है। तो क्या अपने सारे क्वेश्चन इस एक छोटे से डायग्राम में कवर हो गए? तो मैंने आपको एक एक चीज सम अप कर दी, तो इसको बना लीजिए आप। अब देखिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन है उसकी तरफ। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है इस तरीके से, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कोणा, गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा है कटरा 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर, तीसरा है सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, चौथा है बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों अपन को सही युग्म को चयन करना है, को सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन ए है अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी ऑप्शन है अपना फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वन, ठीक है। सी ऑप्शन है अपना फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन है अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इक्वेशन है, आपको सही युग्म का चयन करना है। तो इसका आप एक बार आंसर देखिए फटाफट। अब देखिए आपको सबसे पहले देखना है कोणा गंगानगर,
क्या कोणा जो अपना सबसे नॉर्थ का जो उत्तरीतम बिंदु कोणा गंगानगर था, बिल्कुल सही है। कितना था इसका डिग्री, कितना था 30 degrees 12 minutes उत्तरी अक्षांश, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, जगह भी सही है, डिस्ट्रिक्ट भी सही है, और आपका जो इसको एंगल वगैरह दे रखा है वो भी एग्जैक्टली सही है। फिर चलते हैं कटरा, कटरा बिल्कुल सही है, जैसलमेर में है, अपना क्या है पश्चिम बिंदु है, 69 degrees 30 minutes एंगल भी ठीक है। फिर देखते हैं, फिर ये लिखा है इधर पश्चिम देशांतर, पश्चिमी देशांतर, लेकिन दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि जो भारत है वो राजस्थान में पश्चिम नहीं पूर्वी देशांतर में लाई करता है, इसका मतलब ये भी सही था, ये भी सही था, एंगल भी सही था, लेकिन यहाँ पे बस एक माइनर गलती हो गई, दैट इज़ पश्चिम देशांतर, तो इसका मतलब ये युग्म सही नहीं है। फिर थर्ड सिलाना धौलपुर, मतलब अपना कौन सा पूर्वी बिंदु, 78 degrees 70 minutes पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही है। फिर बोरकुंड बांसवाड़ा, अपना क्या है अपना दक्षिणी बिंदु है, 23 degrees 3 minutes उत्तरी अक्षांश, दैट इज़ ये भी सही है। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इसका मतलब आपका आंसर जो सी है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वो सही इसका आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना था, तो आई होप आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करें और इसको आप लिख लीजिए, और मैं चलता हूं अपने आगे की टॉपिक की तरफ। अब देखिए अपन चलते हैं, अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये अपन ने बेसिक बातें कर ली, अब कुछ जो और फैक्ट्स हैं विस्तार से रिलेटेड वो बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना, देखते चाहिए आप, पहला पॉइंट है, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के एक ही ऐसा जिला है जिससे एक ही जिले से गुजरने वाली देशांतर, मतलब ऐसा एक देशांतर जो मात्र एक जिले से गुजरता है, देशांतर मतलब आपका लॉन्गिट्यूड, जैसे ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये जो देशांतर वो एकमात्र जिले से गुजरते हैं, तो वो कौन सा जिला है, तो और वो देशांतर कौन सा है, मतलब एक ही जिले से देशांतर गुजर रहा है वो, है ना, और जिलों से नहीं गुजर रहा है, तो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, किन की बात हो रही है, देशांतर की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 70 degrees पूर्वी जो देशांतर है वो मात्र आपके एक जिले से गुजरता है, और वो जिला है जैसलमेर, एक तो यह देशांतर है, और दूसरा देशांतर है आपका 78 degrees पूर्वी देशांतर, जो आपका लास्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वो कौन से ज़िले में, धौलपुर में, ये तो आपको ध्यान ही है क्योंकि सिलाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने जो एक ही ज़िले से गुजरने वाले देशांतरों की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए दूसरा कुछ और बात करते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर, वह देशांतर जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है ना, अपन जब भी देशांतर की बात कर रहे हैं तो अपने कितने देशांतर हैं टोटल, है ना, उनके मध्य कितने देशांतर हैं, अपने देशांतर हैं, अपन कितने देशांतरों की बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं 8 देशांतर, तो गिरते हैं 8 degrees 47 minutes का तो अंतर, इसका मतलब 8 देशांतर हैं, तो लिखिए राजस्थान के 8 जिलों से गुजरने वाले देशांतर, तो वो है दोस्तों 74 degrees पूर्वी देशांतर और 75 degrees पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये बात हुई। फिर बात करते हैं आगे, राजस्थान का एक ही जिले से गुजरने वाला, ये तो बात हो गई देशांतर क्या, वापस अक्षांश की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान अक्षांश मतलब इस तरीके से, है ना, तो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश, तो बात करते हैं अपन राजस्थान के एक ही जिले गुजरने
एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश है दोस्तों, कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा अक्षांश नहीं है जो एक ही जिले से गुजरता हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला, आपको कई ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, है ना, 23, 24, 25 है ना, 30 तक हैं, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक जिले या जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, तो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है वो है दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये दोस्तों 9 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से, राजस्थान के 9 जिलों से ये गुजरता है। ठीक है, फिर फाइनल लाइन है राजस्थान की दोस्तों, आप लंबाई बताइए कितनी है, लंबाई ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, बताइए कितनी है, अभी बताइए, 826 किलोमीटर। ठीक, फिर राजस्थान की चौड़ाई मींस पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर। फिर राजस्थान की दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण, दक्षिण पूर्व मान लीजिए, ये मतलब दक्षिण पूर्व से कहाँ से बात कर रहे हैं अपन, दक्षिण पूर्व से लेके और उत्तर पश्चिम, मतलब डायगनली लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें लिखिए राजस्थान की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगनल, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए डायगनली लंबाई, और कहाँ से डायगनल, तो ये भी है और एक ये भी है, तो डायगनल की लंबाई कितनी है, तो वो है अपनी 850 किलोमीटर। कौन से वाले डायगनल की, इस वाले डायगनल की। फिर इस वाले की भी बात कर लेते हैं, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण या डायगनल की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। ठीक है, 784 किलोमीटर। तो ये बात हो गई दोस्तों राजस्थान के विस्तार के बारे में, तो इतना आप लिख लीजिए। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक है कंप्लीट हो गया है, और अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी है जो फाइनली आज अपनी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो, है ना, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मोटिवेट किया ताकि मैंने आपको ज्योग्राफी फाइनली कंप्लीट करवा दी। अब जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं मैं उनका आपके नोट्स दे दूंगा, है ना, जैसे इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है राजस्थान की कुल सीमा, पूरा स्टैटिक टॉपिक है, तो उसकी कि भाई कितनी लंबाई है, स्थल में कितनी लंबाई है, तट से कितना कनेक्टेड है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, रेड क्लिफ लाइन पे कहां से कहां तक है, तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। और जो भी जो पशु संपदा का और झील का जो टॉपिक है वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और जितना हो सके जितना भी हो गए, सबसे काम को आपको एक जरूरी ये करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स से तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जो पेड कोर्सेज नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उन लोगों तक ये कोर्स पहुंच जाए, यही मेरा मेन मुद्दा था, और आई होप ऐसा होगा।